यह बात है सन 2008 की, कि कैसे दो लोगों के एक आइडिया से आज करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और ये हुआ कैसे पता चलेगा वीडियो के एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग ये जान लो कि मैं जोमैटो की सक्सेस स्टोरी को बताने वाला हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है दो IITian दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा से। ये साल 2006 था जब इन्होंने दिल्ली IIT को पास आउट किया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद ये दोनों एक ही कंपनी में एक साथ जॉब करने लगे। जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे, एक्चुअल में वो कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी थी। इस कंपनी में काम करते हुए इन दोनों ने इस बात को नोटिस किया कि जो लोग होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, वो अपना ज्यादा समय रेस्टोरेंट की मेन्यू कार्ड को देखने में ही बिता देते थे। और यही बात गोयल को अटका और वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकल पड़े। एंड फाइनली 2008 में इन्होंने एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम था foodiebay.com। foodiebay वेबसाइट में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड थे जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन देख सकते थे। सिर्फ मेन्यू कार्ड ही नहीं बल्कि इस वेबसाइट पे अलग अलग रेस्टोरेंट की रेटिंग भी दी जाती थी, जिससे लोगों को ये पता चल जाता था कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है और कौन सा रेस्टोरेंट खराब है। लेकिन साल 2010 में foodiebay के फाउंडर को लगा कि foodiebay का नाम बदलना चाहिए और उन्होंने foodiebay का नाम बदल कर जोमैटो कर दिया। नाम बदलने के पीछे गोयल ने कोई खास रीजन तो नहीं बताया, पर एक बात सामने आता है कि foodiebay eBay नाम से बना था एंड eBay एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। साल 2011 में इन्होंने अपने सर्विस को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता जैसे अलग अलग स्टेट में फैला दिया। और इनकी ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए Naukri.com के फाउंडर संजीव बिगचंदानी ने $1 million का इन्वेस्ट किया। वही इन्फो एज इंडिया से भी जोमैटो को $3.5 million का फंड मिला। और इसी तरह से अलग अलग जगह से फंड मिलने के बाद जोमैटो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था और इन्हीं सब कारणों से शेयर मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। और दीपेंद्र गोयल ने अपना खुद का ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम जोमैटो रखा गया। और इसी ऐप की वजह से न जाने कितने बेरोजगारों को फूड डिलीवरी का जॉब भी मिला। और यही नहीं बल्कि कोरोना महामारी के दौरान जोमैटो अपना रोल बखूबी निभाया है और आज एक महीने में 200 करोड़, 24 आवर में 6.7 करोड़, पर आवर 27.5 लाख, पर मिनट 4,58,000, और वही एक सेकेंड में 76,300 से ज्यादा लोग जोमैटो ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं। अगर कोई भी शख्स चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, इसका अंदाजा हम दीपेंद्र गोयल के नेटवर्थ से लगा सकते हैं। अगर वो चाहते तो जॉब करके अपनी पूरी लाइफ बिता सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज $306 मिलियन के मालिक बने हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।